तो दोस्तों आज हम ख़राब कंप्यूटर का पावर सप्लाई जो होता है उसका यूज़ कर कर जो है हम रूम हीटर बनाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल ही स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूँगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे टेक्निकल वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहता हूँ। आइए दोस्तों हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने जो है इस पावर सप्लाई का जो ऑलरेडी जो है सारे पार्ट्स अंदर के निकाले हुए हैं, यानी कि इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, सिर्फ इसके अंदर देखिए दोस्तों मैं आपको ओपन कर कर एक बार दिखा देता हूं। तो जैसे मैं इसको ओपन करते हैं देखिए दोस्तों यहां पर जो है सिर्फ यहां पर मैंने फ़ैन अंदर रखा हुआ है और इस तरीके से यहाँ पर सॉकेट यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अभी हम इसका कनेक्शन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है इसके अंदर से दो हीट सिंक प्लेट निकले हुए थे, इसी का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो इसका यूज़ कर कर जो है दोस्तों हम इसके अंदर से हीट जो है इसके अंदर से लेंगे। तो देखिए दोस्तों हीटिंग एलिमेंट के लिए यहाँ पर मैंने जो है दोस्तों इस तरीके से सोल्डरिंग आयरन का हीटिंग एलिमेंट का यहाँ पर यूज़ करना है। तो इसको जो है दोस्तों हम इस दो हीट सिंक के बीच में लगा लेने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हम इसको रख कर यहाँ पर इसको भी लगा लेंगे। और इसके बाद जो दो होल हैं तो इनमें से किसी भी होल को मैच कर लेंगे और स्क्रू से इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों अगर आपके पास ये हीट सिंक नहीं होए तो आप किसी भी और हीट सिंक का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो वायर है शॉर्ट है, तो इसको हम अभी ज्वाइंट कर लेंगे और थोड़े से वायर को बड़ा कर लेंगे ताकि कनेक्शन करने में आसानी हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है चार स्क्रू यहाँ पर लगे हुए थे, तो इन्हीं स्क्रू का यूज़ कर कर जो है देखिए दोस्तों हम जो यहाँ पर पावर सप्लाई का जो बॉडी है यहाँ से जो किसी भी स्लॉट में इसको हम लगा लेंगे और इसके स्क्रू से इसको अच्छी तरीके से लगा कर फिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके सारे स्क्रू निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इसके बाद में इन स्क्रू को जो हम इसके बैक साइड पर इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे और इस स्क्रू को जो है इस तरीके से यहाँ लगा कर इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे ताकि हिल ना सके। तो देखिए दोस्तों काफ़ी इजी है इसका कनेक्शन। तो अभी ये फिक्स हो चुका है, तो अभी हम इसका कनेक्शन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों फ़ैन का भी हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमें इस तरीके से 225 के 400 वोल्ट का पीएफ कैपेसिटर का यूज़ करना है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर IN4007 डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर का हम यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको सर्किट समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए दोस्तों सिंपल जो दो सिल्वर साइड है वो पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, और यहाँ से हम इसको AC सप्लाई देंगे। तो सिंपल अभी जो है हम यहाँ पर PF कैपेसिटर के साथ में ब्रिज रेक्टिफायर का जो इनपुट सेक्शन है उसको हम यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों अभी जो है ये वाला हमारा पिन AC सप्लाई का इनपुट है और ये वाला AC सप्लाई का इनपुट है। तो हमें सिंपल जो है इस तरीके से इस सर्किट डायग्राम का यूज़ कर कर जो है इसको बना भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों AC इनपुट का जो सॉकेट यहाँ पर लगा हुआ है तो इसको हम यहाँ पर सॉल्डर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो नीचे के साइड पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो AC इनपुट का यहाँ पर सॉकेट है, तो इन दो पिन पर हम इसको सॉल्डर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से हम यहाँ पर इसको रख लेंगे, और जो हमने PF लिया हुआ है कैपेसिटर, तो इसका जो एक लेग यहाँ पर निकला हुआ है उसको हम यहाँ पर सॉल्डर कर लेंगे, और दूसरा जो वायर यहाँ पर लगाकर ब्रिज रेक्टिफायर के साथ में इस तरीके से सॉल्डर कर लेंगे। तो अभी AC इनपुट इसको मिल चुका है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों फैन का जो दो वायर है इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो जिधर डायोड का जो सिल्वर पॉइंट जो है दोनों साइड जिधर मिला है वो पॉजिटिव है और दूसरा जो पॉइंट है वो नेगेटिव है। तो इस तरीके से कनेक्शन अभी फ़ैन का हो चुका है। तो इसी तरीके से देखिए दोस्तों उसी AC इनपुट जगह पर जो है हम इसको यहाँ पर ये दो वायर भी सॉल्डर कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों अभी हम इसको लगा लेंगे और इसको अच्छी तरीके से पैक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार चेक कर कर दिखा देता हूँ ये वर्क भी करता है या नहीं। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ जो है पावर सप्लाई हम इसको देने वाले हैं, तो सप्लाई कॉर्ड का यूज़ करेंगे और इसको हम AC सप्लाई के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो इसका जो फ़ैन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये वर्क करता है या नहीं। तो जैसे ही देखिए दोस्तों ये जो है फ़ैन घूमना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ये जो फ़ैन है ये अभी वर्क कर रहा है। तो अभी हम इसका बॉडी लगाकर अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे और इसका जो है एक बार अच्छी तरीके से टेस्टिंग लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है टेस्टिंग लेंगे तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर हवा आ रही है।
और थोड़ा सा मीडियम यहाँ पर हवा आ रही है क्योंकि हमने जो है सिंगल एलिमेंट का यहाँ पर यूज़ किया है। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा हवा अगर हीट चाहिए तो आप यहाँ से जो 2, 3, 4 तक उसको आराम से इसको लगा सकते हैं, और हीट सिंक जो है वो भी थोड़ा सा बड़ा साइज़ का लगाए ताकि इसमें जो आने वाली हवा है वो ज़्यादा गर्म आ जाएगी। तो दोस्तों आप इसको घर पर आसानी से बनाकर इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।